صباح الخير كيف حالكم। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस के पार्ट टू। बहुत ही जबरदस्त और मजेदार वीडियो है, स्पोकन के लिए बैकबोन है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस अपने इसको वीडियो को, ठीक है। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप नोट करो, आपको काफी चीजें इसमें मिलने वाली है, अलग फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट टू में हम सीखेंगे के इसमें जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर होते हैं, इंग्लिश के स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैंने कोई ये नहीं खास नहीं किया कि प्रेजेंट सिंपल वर्ड है या क्या वर्ड है, ठीक है। पहले आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, ओके। अरबी के स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अरबिक में वर्ब को कहेंगे फ़ैलून, क्या कहते हैं, फ़ैलून, 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 ओके। और सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइलून, फ़ाइलून, क्या कहते हैं, फ़ाइलून, 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 ओके। और ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफ़ऊलून, 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 ठीक, मफ़ऊलून, क्या कहते हैं, मफ़ऊलून। अब फ़ेल क्या है, फेल किसे कहते हैं, फेल क्या है, एक एक्शन है, काम है, ठीक। और फाइलून का मतलब क्या हो गया, डूअर, करने वाला। सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। और मफ़ऊलून, मफ़ऊलून का मतलब क्या होता है, एन एक्शन अफेक्टिंग, एन एक्शन अफेक्टिंग नाउन और अ प्रोनाउन, ओके, नाउन और अ प्रोनाउन। अब तक मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, आपको बता दिया था पजेसिव प्रोनाउन, आपको बताया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अच्छे से सिखाया पजेसिव प्रोनाउन पार्ट वन, पजेसिव प्रोनाउन पार्ट टू। इस तरीके से पूरे आपको सब्जेक्टिव केस में मैंने आपको तैयारी करा दी। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इस तरीके से लिख लो, मेल, इधर क्या लिखना है आपको, फीमेल, ठीक। आ जाओ, हु, हु का है हिम, ओके, और हुमा का है देयर, बोथ देम, ओके, और हुम का क्या है, हुम का देम, देम, ओके। और यहाँ पे देखो तो आपको पहले क्या लिखा मैंने, हु, हुमा, हुम, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे हा, ठीक, हुमा और यहाँ पे हुन्ना, ठीक, हुन्ना, क्या लिखा मैंने, हा, हुमा, हुन्ना, क्या लिखा, हुन्ना, ठीक। अब देखिए हा, हा का मतलब हर, हर, ओके, हुमा का मतलब बोथ देम, बोथ देम, देयर नहीं, देम, देम, और हुन्ना देम, हुन्ना देम। और यहाँ पे है का, ओके, यू, हुमा, यू बोथ, यू बोथ, पहले यहाँ पे लिखा बोथ यू, तो ये है ठीक, बोथ यू, ओके, और क्या है, हुम, ठीक, यू, तो लिखा का, हुमा, हुम, और यहाँ लिखे क्या है, की, ओके, क्यू, की, यू, ओके, और हुमा, हुमा, ठीक, बोथ यू, बोथ
यू, और उसके बाद कुन्ना, क्या है कुन्ना यू, क्या लिखा मैंने की कुमा कुन्ना, ओके कुन्ना, और नी, ठीक नी का मतलब क्या है मी, और ना, ओके ना, ना का मतलब क्या है अस, ओके अस, सो हो गया नी और ना। आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, पे यहाँ पे आपको याद रखनी है कि पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब इसको छोड़ के ये नी को छोड़ के, उसमें क्या आ रहा था या सुकून आ रहा था, उसका मतलब क्या था माई, जैसे किताबी, ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है नी, बस क्या बढ़ रहा है ना, ना का शब्द बढ़ रहा है, ओके जो नून है वो बढ़ जा रहा है, उसके अलावा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है पॉजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे हु माई, यहाँ पे हु क्या हो गया हिम, तो अरबिक में पॉजेसिव प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। किसका फर्क है, सिर्फ वहां पे है यह मुतकल्लिम या जिसे कहते हैं या सुकून, और यहाँ पे क्या है नी, ठीक समझ में आ गया, तो वहां पे है किताबी वो, और दूसरा फर्क क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो जैसे आप बोल रहे हैं किताब हु, ठीक, तो वो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है, जैसे किताब हु हिज बुक, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं उसने उसको मारा, ओके हे वो उसे पढ़ाते हैं, ठीक, तो ही टीचर्स हिम, तो क्या होगा क्या होगा युदर रिसुहु, ठीक ये वर्ब के साथ यूज हो रहा है, समझ में क्या डिफरेंस है, वहां नाउन के साथ यूज हो रहा था पॉजेसिव केस, यहाँ किसके साथ यूज हो रहा है वर्ब के साथ यूज हो रहा है, बस ये दो डिफरेंस है, ठीक है। अब अगले वीडियो में इन सब के इस्तेमाल पूरे डिटेल से प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इस तरीके से तीनों टेंस में हम इंग्लिश टू अरेबिक, अरेबिक टू इंग्लिश सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया।